हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया, मजे में, वेरी गुड। तो मैं कोणार्क सिंघल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय कोणार्क सिंघल पर। बेटा, जैसा कि आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है, राइट। लेक्चर नंबर 8 के अंदर बेटा आज हमें क्या क्या पढ़ना है? आज अपने को पढ़ना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये तीन टॉपिक हमारे बच रहे हैं एनर्जी टॉपिक के अंदर। एनर्जी के अंदर हमारे ये तीन टॉपिक कवर करना बाकी है, बाकी एनर्जी के अंदर जितने भी टॉपिक थे आपकी बुक के अंदर वो मैंने कवर करवा दिए हैं, ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, अभी तक लेक्चर नंबर 7 हमारे हो चुके हैं। शुरू के जो तीन लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1, 2 एंड 3, ये हमारे डिपेंड थे वर्क के ऊपर। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था वर्क क्या होता है, सेकेंड नंबर पे हमने जो लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ वर्क, और थर्ड नंबर का जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने न्यूमेरिकल्स किए थे वर्क के ऊपर। तो लेक्चर नंबर 4 से लेके लेक्चर नंबर आज वाला यानी कि लेक्चर नंबर 8 तक, जो ये हमारे 4, 5, 6, 7, 8 पांच जो लेक्चर है ये हमारे किसके ऊपर बेस्ड है? टोटली इट इज बेस्ड ऑन टोटली वर्क, सॉरी एनर्जी टॉपिक, एनर्जी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। तो आज का हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा एनर्जी के लिए, उसके बाद हमारे एक लेक्चर और बनेगा हमारा पावर के ऊपर, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हो वर्क कंप्लीट हो गया, एनर्जी आज कंप्लीट हो जाएगा, और जो पावर है, पावर हमारा बचता है, तो पावर का हमारा एक लेक्चर बचेगा जिसमें पूरा थ्योरी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो एक लेक्चर हो जाएगा यानी कि लेक्चर नंबर 9 के अंदर हम कवर कर लेंगे पावर के बारे में, और लेक्चर नंबर जो 10th आएगा उसके अंदर हम न्यूमेरिकल्स कर लेंगे पावर के बारे में। क्लियर बात? तो ये हमारा आगे का प्लान रहेगा। लेक्चर नंबर 8 आज का हमारा स्टार्ट हो रहा है, तो वीडियो को ज्यादा ज्यादा बेटा लाइक करो। देखो लाइक और शेयर के अंदर कमी हो रही है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ प्रॉपरली नहीं हो पा रहा, जितना मैं एफर्ट कर रहा हूँ उतना आपकी तरफ से मेरे को रिस्पॉन्स आ नहीं रहा है। तो इट्स ए रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड कि आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, है ना, उन बच्चों तक कम से कम पहुंचिए जिन बच्चे जो बच्चे क्लास 9th में क्लास 11th के अंदर है। क्यों? क्योंकि ये जो टॉपिक है वर्क एनर्जी एंड पावर वाला, ये क्लास 9th में है और क्लास 11th में है। क्लास 9th वाले बच्चों की तो हेल्प हो ही रही है, लेकिन क्लास 11th के लिए जो बच्चा थोड़ा सा नॉर्मल पढ़ना चाहता है उसके लिए हेल्पफुल है, ठीक है। एडवांस के लिए दिस इज नॉट हेल्पफुल फॉर क्लास 11th, बिकॉज इसके अंदर हम बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं, लेकिन बेसिक भी क्लियर होना चाहिए कहीं ना कहीं। तो जो वीडियोज आ रही है ना बेटा, वीडियोज को प्रॉपरली अपना सपोर्ट कीजिए, है ना। मेरे को मतलब कि थोड़ा सा लग रहा है कि आपकी तरफ से थोड़ी सी कमी हो रही है, तो इट्स ए रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड कि आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अपनी तरफ से भी थोड़ा सा मेरे को एफर्ट दीजिए कि हाँ बच्चे लोग भी पढ़ रहे हैं, बच्चे लोग का थोड़ा सा सपोर्ट मेरे को मिल रहा है। बिकॉज सपोर्ट अगर आप मेरे को करोगे, मेरे को अगर सपोर्ट मिलेगा तो मेरे को और ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों के लिए कुछ अच्छी चीजें क्रिएट करने के लिए, अच्छे टॉपिक्स लेके आने के लिए, सो दैट कि आपकी ग्रोथ अच्छी हो पाए, नॉलेज ग्रोथ आपकी और अच्छी हो पाए, ठीक है बेटा। तो वीडियो को बिना देर किए आज की हम स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर नंबर 7 के अंदर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, ठीक है। तो बेटा जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन ट्राई किया है उनके लिए आज भी ये क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूँ कि ये क्वेश्चन कैसे होता। तो बेटा क्वेश्चन क्या था, होमवर्क में मैंने न्यूमेरिकल दिया था एक एनर्जी के ऊपर, वर्क के ऊपर। वो न्यूमेरिकल क्या था आपकी स्क्रीन के ऊपर है, देखिए। ए ब्लॉक ऑफ मास m इज अटैच्ड टू ए स्ट्रिंग That lowers the block with an acceleration of g by 5, ठीक है? Find the work done by the string to lower the block by a distance of d. Question क्या कहना चाह रहा है? तो question कुछ इस तरीके से है। Example के लिए मैं कुछ जैसे कि देखिए, एक मिनट वेट कीजिए, मैं थोड़ा सा आपको शो कर देता हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एग्जाम्पल जैसे कि देखो एक रस्सी है, उस रस्सी से कोई भी एक डब्बा बंधा हुआ है, कोई भी एक ब्लॉक है जिसका मास कितना है, m मास है उसका, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैंने अपनी एयरफोन ले लिया, एयरफोन से मैंने इस ब्लॉक को धर लिया। तो ये जो ब्लॉक आपको दिखाई दे रहा है इसका मास m है, और ये जो व्हाइट कलर की जो केबल आपको दिखाई दे रही है ये इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्ट्रिंग है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक रस्सी है, एक स्ट्रिंग है, एक ब्लॉक के ऊपर बंधी हुई है जिसका मास कितना है, m है, और वो जो रस्सी है वो क्या कर रही है, इस ब्लॉक, इस एम ब्लॉक के मास को नीचे लेके जा रही है, नीचे लेके जा रही है, यानी कि कुछ ना कुछ इसके अंदर एक्सेलरेशन हो रहा होगा। कितने एक्सेलरेशन से नीचे लेके जा रही है, इसको लेके जा रही है जी बाय 5 एक्सेलरेशन से इसको नीचे लेके जा रही है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, तो ब्लॉक बंधा हुआ है एम मास का, और इसके ऊपर रस्सी यानी कि केबल इसके ऊपर बंधी हुई है, तो केबल इसको नीचे लेके जा रही है, इस बॉक्स को नीचे लेके जा रही है जी बाय 5 एक्सेलरेशन से। अब क्योंकि केबल इसको नीचे की साइड लेके जा रही है, तो इस स्ट्रिंग ने कुछ ना कुछ काम किया होगा,
तो कितना काम क्या होगा, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि उस स्प्रिंग को कितना काम करना पड़ा उस ब्लॉक को नीचे लेके जाने में, कितना नीचे लेके जाने में, कोई भी डिस्टेंस डी बोल रखा है कि डी डिस्टेंस नीचे लेके गए तो कितना काम करना पड़ा। ठीक है, तो क्वेश्चन को करते हैं अपन आज। ठीक है, आपने ट्राई किया होगा, अच्छी बात है, नहीं ट्राई किया तो थोड़ा सा देखिए कि किस टाइप से ये क्वेश्चन होना चाहिए था, अगर आप करते ट्राई तो कैसे करते। मैं डायग्राम बना रहा हूं, देखो इसके अंदर क्या बोल रहा है कि ये कोई भी ब्लॉक है, क्या बेटा ये कोई भी ब्लॉक है जिसका मास कितना है, एम मास है, और इसके ऊपर एक रस्सी बंधी हुई है, एक स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग बंधी हुई है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ, थोड़ी सी टेढ़ी रस्सी आपको दिखाई दे रही है, टेढ़ी स्ट्रिंग आपको दिखाई दे रही है भाई, ये ब्लॉक तो आपको दिखाई दे गया, एम मास का ब्लॉक है। ठीक है, इसके ऊपर ये रस्सी बंधी हुई है। ठीक है, क्लियर बात, यानी कि ये अटैच्ड है, यहां से जुड़ी हुई है रस्सी, दिस इज स्ट्रिंग। अब हो क्या रहा है, ये जो रस्सी है ना इस एम मास को नीचे लेके जा रही है, नीचे की साइड लेके जा रही है, यानी कि कितने एक्सेलरेशन से लेके जा रही है, क्वेश्चन बोल ही रहा है जी बाई फाइव के एक्सेलरेशन से नीचे लेके जा रही है। भाई ए की वैल्यू जी बाई फाइव दे रखी है, कितना नीचे लेके गई, मान लेते हैं यहां से लेके यहां तक डी डिस्टेंस तक नीचे लेके गई, जैसा कि क्वेश्चन बोल भी रहा है कि डी डिस्टेंस तक ये नीचे लेके गई, एग्जाम्पल के लिए मान लिया डी डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है। तो इस स्ट्रिंग ने बेटा कितना काम किया होगा, क्वेश्चन ये है। अब एक चीज बताओ, जब स्ट्रिंग के साथ में ये मास बंधा होगा उस टाइम जो स्ट्रिंग है वो टाइट होगी या ढीली होगी, बताओ, टाइट होगी ना। अब बेटा जब टाइटनेस इन द स्ट्रिंग आती है ना उसको अपन बोलते हैं टेंशन, क्या बोलते हैं, टेंशन। तो दिस इज द टेंशन। ठीक है, जब ये रस्सी इस ब्लॉक से बंधी होगी और ये जो रस्सी है ये इस ब्लॉक को जब नीचे की साइड लेके जा रही होगी, बिकॉज इसके ऊपर कुछ ना कुछ मास बंधा है, ये जो रस्सी है ये स्ट्रिंग है, ये मासलेस स्ट्रिंग है, एकदम हल्की रस्सी है, लेकिन इस रस्सी के साथ में एक एम मास का ब्लॉक बंधा हुआ है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो रस्सी होगी ये क्या हो जाएगी, टाइट हो जाएगी। ये टाइट क्यों हुई, क्योंकि कुछ ना कुछ फोर्स लगा होगा, कितना फोर्स लगा होगा, एम जी फोर्स लगा होगा भाई, एम जी फोर्स लगा होगा, क्योंकि इसका जो मास है एम है, तो ग्रेविटी की वजह से, वेट की वजह से इसके ऊपर कितना फोर्स लगा, एम जी लगा, बिकॉज ये एम जी फोर्स नीचे की साइड है तो ऊपर की साइड टेंशन होगी, यानी कि जो रस्सी है वो टाइट हो जाएगी। टाइट किस फॉर्म में होगी, टेंशन की फॉर्म में होगी। जब भी हम बात करते हैं रोप की, रस्सी की या स्ट्रिंग की, हम किस में बात करते हैं, टेंशन में बात करते हैं। टेंशन बेसिकली क्या होती है, टेंशन बेसिकली होती है टाइटनेस ऑफ द स्ट्रिंग, टाइटनेस ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, टाइटनेस बेसिकली अपन बोल सकते हैं इट इज अ काइंड ऑफ फोर्स, ये एक तरीके का फोर्स ही होता है जो किस में डेवलप हो गया, ये स्ट्रिंग के अंदर, रस्सी के अंदर डेवलप हो गया। क्लियर बात, या तो कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, अब बेटा देखो इस वाले केस में लॉज ऑफ मोशन का कॉन्सेप्ट है ये, बेसिकली लॉज ऑफ मोशन, जो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के अंदर अगर किसी बच्चे ने थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ा था स्ट्रिंग के बारे में, पुली के बारे में, तो उससे ये कॉन्सेप्ट निकल के आया। तो सबसे पहले तो देखो अपने को ये पता है वर्क किसके बराबर होता है, एफ एस कोस थीटा के बराबर होता है। भाई देखो ये फोर्स डी डिस्टेंस अपने को दे रखा है और कोस यहाँ पे 180 डिग्री हो जाएगा। बेटा क्यों हो जाएगा 180 डिग्री, बॉडी कितने की साइड मूव कर रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। भाई बॉडी कितनी साइड मूव कर रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और जो हमारी टेंशन होती है ना, टेंशन हमारी ऑलवेज एक्स, ऑलवेज एक्स अवे फ्रॉम द कॉन्टेक्ट पॉइंट, अवे फ्रॉम द कॉन्टेक्ट पॉइंट, जहां से हमारी रस्सी जुड़ी हुई है उसके अपोजिट साइड में लगती है। तो रस्सी हमारी कहां पे जुड़ी हुई है, इस ए पॉइंट के ऊपर जुड़ी हुई है, तो टेंशन किधर की साइड होगी, बाहर की साइड, यानी कि ऊपर की साइड होगी। तो बेटा फोर्स किधर की साइड लग रहा है रस्सी पे, ऊपर की साइड, और बॉडी मूव किधर की साइड कर रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो थीटा कितना डिग्री बन गया, 180 डिग्री, तो इसलिए मैंने यहाँ पे थीटा 180 डिग्री ले लिया। तो थीटा की बात समझ में आ गई, डिस्प्लेसमेंट बोल ही रहा है वो डी अमाउंट से नीचे लेके गए तो डी आ गया। अब बात आता है ये फोर्स, फोर्स कैसे निकाले, ये बेसिकली जो फोर्स है ये किसके अंदर है, फोर्स डेवलप्ड इन द स्ट्रिंग इन द फॉर्म ऑफ टेंशन, इन द फॉर्म ऑफ टेंशन, टेंशन के रूप के अंदर जो रस्सी हमारी टाइट हो गई ना,
वो जो टाइटनेस ऑफ द स्ट्रिंग है उसी को अपन फोर्स बोलेंगे, यानी कि ये फोर्स कौन सा है जो रस्सी के अंदर जर्नेट हो गया है इन द फॉर्म ऑफ टेंशन। ठीक है, तो टेंशन निकालते हैं, मेन हमारा मुद्दा है टेंशन निकालने का। तो बेटा सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे आप, FBD, यानी कि इस ब्लॉक के ऊपर लगने वाले सारे फोर्स दिखा दो। तो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक तो इसके ऊपर लग रहा है MG डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक इसके ऊपर लग रहा है टेंशन, ठीक है, और बॉडी नेट किधर की साइड मूव कर रही है, नेट नीचे की साइड मूव कर रही है, कितने एक्सेलरेशन से, G/5 एक्सेलरेशन से। अब बेटा इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करना ना, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा एडवांस दिया था उन बच्चों के लिए जो बच्चे थोड़ा सा एक्स्ट्रा करते हैं, ठीक है। तो अगर उन बच्चों ने लॉज ऑफ मोशन अच्छे तरीके से पढ़ा है तो उनको ये चीज समझ में आ जाएगी कि ऐसा कुछ फ्री बॉडी डायग्राम बनता है, ठीक है। तो बेटा इस वाले केस के अंदर बॉडी के ऊपर नेट फोर्स किधर की साइड लग रहा है, नेट फोर्स किधर लगेगा, जिधर बॉडी चलेगी, ठीक है भाई। नेट फोर्स किसके बराबर होता है, डिफरेंस ऑफ द टू फोर्स, और जिधर की साइड डिफरेंस होता है उधर की साइड बॉडी जाती है, जिधर की साइड फोर्स ज्यादा लगता है उधर की साइड बॉडी मूव करती है। तो इस वाले केस के अंदर बॉडी किधर मूव कर रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसका मतलब फोर्स किधर ज्यादा लग रहा होगा, नीचे ज्यादा लग रहा होगा, और नीचे की साइड वाला फोर्स क्या है, देखो इधर मैं लिख देता हूं, F नीचे वाला फोर्स माइनस F ऊपर वाला फोर्स। भाई बॉडी किधर मूव कर रही है, नीचे की साइड मूव कर रही है ना, तो बॉडी उधर ही मूव करेगी जिधर की साइड नेट फोर्स लगेगा बॉडी के ऊपर। और नेट फोर्स का बेटा जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा M into A, क्या होता है M into A। बेटा नीचे की साइड कौन सा फोर्स लग रहा है, नीचे की साइड फोर्स लग रहा है MG, ऊपर की साइड कौन सा फोर्स लग रहा है, ऊपर की साइड लग रहा है T। अपने को वैल्यू किसकी चाहिए, T की चाहिए, ठीक है। तो MA = MG - T, इसको नोट कर लेना, मैं अगली स्लाइड पे आ चुका हूं। हमारी क्वेश्चन क्या ही थी, MA = MG - T, क्योंकि बेटा अपने को टेंशन निकालनी है, तो टेंशन को एक साइड रखो MG - MA। अब क्वेश्चन में अपने को गिवन है A की वैल्यू कितनी है बेटा, G/5 एक्सेलरेशन से हम उस बॉडी को नीचे लेके चल रहे हैं। तो बेटा टेंशन कितनी आ जाएगी, MG - M G/5, एलसीएम लोगे इसका तो 5MG - MG, ठीक है, 5MG - MG और डिवाइडेड बाय 5। तो टेंशन बेटा कितनी आ गई, 4MG/5 हमारी यहां से क्या आ गई है, टेंशन आ गई, क्लियर बात। अब अपने को वर्क निकालना था, वर्क डन बाय द स्ट्रिंग नीचे लेके जाने के लिए बॉडी को, तो वर्क किसके बराबर जाएगा, टेंशन, क्योंकि फोर्स Fs cos थीटा था और F किसके रूप में डेवलप हो गया है, टेंशन के रूप में डेवलप हो गया है, तो क्या आ जाएगा, Ts cos 180 डिग्री, क्लियर बात। तो बेटा टेंशन की वैल्यू कितनी आ गई, 4/5 mg आ गई, और S की वैल्यू कितनी दे रखी थी इसमें, कितना डिस्टेंस चला है, d डिस्टेंस चला है, और cos कितना आ गया, cos 180 डिग्री - 1। तो बेटा वर्क कितना करना पड़ा स्ट्रिंग को नीचे लेके जाने के लिए ब्लॉक को, 4/5 mg d, इतना वर्क स्ट्रिंग ने किया है उस बॉडी को नीचे लेके जाने के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा था जो मैंने आप लोगों को होमवर्क के लिए दिया था। जिन बच्चों ने ट्राई किया है बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों ने ट्राई नहीं किया उनको कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिला इस वाले क्वेश्चन से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक के अंदर, जिसमें भी आप नोट्स वगैरह प्रॉपरली बनाते हो। तो आज की जो टॉपिक है हमारा वो अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बेटा देखो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी है, जैसे कि देखो नाम से ही पता लग रहा है, आपने कभी ना कभी किसी ना किसी रूप के अंदर ट्रांसफॉर्म शब्द सुना होगा। ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होता है, ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है चेंज होना। जैसे कि अगर मान लो किसी के पास कोई इस टाइप से कार है, ये कोई भी इस टाइप की कार है किसी के पास, दिस इज ए कार, इसको मॉडिफाई कर दिया, मॉडिफाई करके इसको इस टाइप से कार बना दिया, ठीक है, इस टाइप से इसको कार बना दिया, क्लियर बात। तो यहां पे क्या हुआ होगा, देख रहा बेटा कितनी बढ़िया मॉडिफिकेशन कर दी। तो बेटा इसको मॉडिफाई कर दिया ना अपन ने, है तो ये कार अभी भी, केवल और केवल क्या हुआ है, इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया इसका, है तो अभी भी कार ना ये, इसको क्या कर दिया हमने, मॉडिफाई कर दिया, यानी कि इसके अंदर कुछ ना कुछ अपन ने चेंज कर दिया, इसकी शेप के अंदर हमने चेंज कर दिया, बढ़िया मॉडिफिकेशन है, ठीक है। तो बेटा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी का भी मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो कोई एक एनर्जी है, कोई ए एनर्जी है, हमने इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, एनर्जी बी के अंदर, है तो एनर्जी अभी भी लेकिन चेंज हो गई,
तो इस चेंजमेंट ऑफ एनर्जी को क्या बोलते हैं, इसी को अपन बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। तो अगर इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो यहां से इसकी डेफिनेशन बनती है, मतलब कि कोई एनर्जी थी, अब वो एनर्जी किसी भी रूप में हो सकती है, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे होती है। ठीक है, वो एनर्जी किसी भी रूप में हो सकती है, हमने उस एनर्जी को दूसरे रूप के अंदर कन्वर्ट कर दिया, उसके क्रीम पाउडर लगा के हमने क्या कर दिया, दूसरे रूप के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो ये हो गई हमारी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। भाई जैसा कि आजकल आप लोग देखते हो ना इंस्टाग्राम पे, रील्स पे, यूट्यूब शॉर्ट्स के ऊपर, कि मान लो कोई भी मेकअप आर्टिस्ट है, वो क्या करता है, मान लो कोई भी एक बॉय है, उसको उसका मेकअप वगैरह करके उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, दूसरे जेंडर में कन्वर्ट कर देता है। सिंपल सी बात है, मेकअप आर्टिस्ट है तो वो उसका आर्ट है, वो उसकी जॉब है ना। जैसे कि मान लो मूवीज के अंदर हम देखते हैं, ठीक है, कि मान लो ए पर्सन है, वो बी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइक मेकअप एंड ऑल। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली यही बताया गया, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या हो गया, कि अगर हमारे पास कोई एक एनर्जी है, उसको हमने दूसरे रूप एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब वो कैसे कन्वर्ट किया जाता है, उसके लिए क्या होती है, हमारे पास में डिवाइसेज होते हैं। भाई जैसे कि एनर्जी ए और एनर्जी बी के अंदर कन्वर्ट हो गया ना, एनर्जी ए कन्वर्टेड इनटू एनर्जी बी किसकी वजह से हुआ, किसी ना किसी डिवाइस का यूज हमें करना पड़ा होगा, जिसकी वजह से एनर्जी ए किसमें कन्वर्ट हो गई, एनर्जी बी के अंदर कन्वर्ट हो गई। तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। क्लियर बात, छोटा सा टॉपिक था, मैं शॉर्ट के अंदर बता देता हूं आपको, ज्यादा टाइम इसके अंदर अपन वेस्ट नहीं करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी का एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि विंड एनर्जी है, विंड एनर्जी को अपन ने कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, किसकी हेल्प से, विंड मिल की हेल्प से, विंड मिल की हेल्प से। हालांकि विंड मिल के अंदर पार्ट्स होते हैं, वो पार्ट्स कन्वर्ट करते हैं, लेकिन प्रॉपर अगर कोई डिवाइस पूछा है तो विंड एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर दे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद द हेल्प ऑफ विंड मिल। इसी तरीके से एग्जांपल के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, विंड एनर्जी में। ठीक है, ये सभी के घर में है भी, फैन, कूलर, ठीक है, ये भी हो सकता है, एसी भी हो सकता है। इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमने कन्वर्ट कर दिया, ये आपकी बुक के अंदर है तो इसमें अपन ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई, लाइट एनर्जी में। अब लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हुई है तो किसकी वजह से हुई होगी, बल्ब की वजह से हो गई होगी, भाई कोई ना कोई तो वो होगा ना, CFL हो गया होगा या LED हो गई होगी, LED बल्ब जिसको अपन बोलते हैं, उसकी वजह से। इसी तरीके से मान लो लाइट एनर्जी है, लाइट एनर्जी नहीं, जैसे कि केमिकल एनर्जी, ठीक है, केमिकल एनर्जी को अपन ने कन्वर्ट कर दिया किसमें, साउंड एनर्जी में। ठीक है, इसमें अपन क्या लिखेंगे, क्रैकर, ठीक है, या फिर अपन ये भी लिख सकते हैं, जैसे कि किस वजह से कन्वर्ट हो गया, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई साउंड एनर्जी में, जैसे कि बॉम्ब होता है, बॉम्ब के अंदर केमिकल्स होते हैं, फायर क्रैकर, जैसे कि दिवाली आने वाली है तो आप लेके आओगे, उसके अंदर कुछ ना कुछ केमिकल होगा, ठीक है, तो जिसको बारूद बारूद बोलते हैं, तो उस बॉम्ब के अंदर जो बारूद है, जब हम उसको मैचस्टिक लगाएंगे, उसके आग लगाएंगे, तब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि उसकी जो केमिकल एनर्जी है उसमें कन्वर्ट हो गई। हालांकि कन्वर्ट होती है तीन टाइप की एनर्जी में, जब अगर अपन बॉम्ब की बात करते हैं, किसी भी फायर क्रैकर की बात करते हैं, तो उस फायर क्रैकर के अंदर तीन टाइप की एनर्जी निकलती है, कौन कौन सी, एक तो साउंड एनर्जी जो उससे आवाज आती है, दूसरी उससे लाइट एनर्जी, रोशनी भी होती है आसपास में, और तीसरी हीट एनर्जी। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ एनर्जी कन्वर्जन टेक प्लेस व्हेन वी लाइट अप द फायर क्रैकर। ठीक है, तो क्रैकर हो गया या मैचस्टिक, सिंपली अपन इसको बोलेंगे मैचस्टिक। भाई मैचस्टिक से तो अपन ने कहीं ना कहीं उसको इन द मतलब कि मैचस्टिक की वजह से तो वो जला है कहीं ना कहीं, अपने आप तो रखा रखा थोड़ी जल जाता है, यानी कि उसको किसी ना किसी रूप के अंदर एक हीट मिल गई होगी। क्लियर बात, यानी कि एक डिवाइस है बेसिकली, अपन बोल सकते हैं मैचस्टिक, उसको लगाना पड़ा कहीं ना कहीं, अपने को आग लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो इस टाइप से बहुत सारी एनर्जी है बेटा जो हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक से दूसरे के अंदर विद द हेल्प ऑफ ए डिवाइस। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि हाइड्रो एनर्जी होती है, हाइड्रो एनर्जी किसको बोलते हैं, जैसे कि बांध के अंदर,
जो डैम्स होते हैं, डैम्स के अंदर पानी को स्टोर करके रखते हैं, उससे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हैं, विद द हेल्प ऑफ टर्बाइन। टर्बाइन के ऊपर पानी गिरता है, टर्बाइन घूमता है, जिससे वो जनरेटर से कनेक्टेड होता है। जनरेट क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देगा जनरेटर, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी एनर्जी होती है जो भी आपको आपके आपको अपने कमरे में दिख जाएगी, ढेर सारी एनर्जी कन्वर्ट होते हुए किसी ना किसी रूप के अंदर। क्लियर बात? तो ये हमारी टाइप्स ऑफ एनर्जी कन्वर्जन होता है। तो कन्वर्जन ऑफ एनर्जी यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी हैज बीन कंप्लीटेड, यानी कि आज का हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे पास में क्या आता है बेटा? अब हमारे पास में आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन देखें तो आप लोग देखिएगा कि आपके एग्जाम के अंदर जरूर एक क्वेश्चन इसके ऊपर आएगा। एक क्वेश्चन भी आ सकता है या फिर ये डेरिवेशन भी आ सकता है जो मैं आपको बता रहा हूँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब बेटा कंजर्वेशन का मतलब होता है बचा के रखना। तो ये जो लॉ है, ये जो लॉ है हमारे पास में, क्या बोलता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें बताएगा। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। यानी कि एनर्जी को ना ही हम बना सकते हैं और ना ही हम खत्म कर सकते हैं, लेकिन एनर्जी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में। ये हमें बोलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्लियर बात? एनर्जी हम कभी भी बना भी नहीं सकते और ना हम खत्म कर सकते, कन्वर्ट कर सकते हैं बस। क्लियर बात? अब जैसे कि आप बोलोगे सर एनर्जी बन रही है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रही है डैम्स के ऊपर, बांध जो हमारे होते हैं उसके ऊपर इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रही है। बेटा नहीं बन रही, उसके अंदर कन्वर्जन हो रहा है, पानी स्टोर्ड है। जैसे कि मान लेते हैं अगर ये डैम बना लेते हैं, ये जैसे कि डैम है एग्जाम्पल के लिए, वाटर डैम, यहाँ पे इसके ऊपर टर्बाइन लगी हुई है, ठीक है। उसके बाद ये जनरेटर एग्जाम्पल मान लेते हैं, जनरेटर, जनरेटर से फिर ये पावर हाउस में जा रही है और यहां से हमारे घरों में आ रही है, हाउस के अंदर आ रही है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो बेसिकली बेटा क्या हो रहा है, देखो ये वोटर भरा हुआ है यहाँ तक, ठीक है। अब ये जो वोटर है, क्योंकि इसकी हाइट है ना वोटर की, तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। भाई वाटर के अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर होगी? पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज ये रेस्ट के अंदर उसका कुछ ना कुछ लेवल है ग्राउंड से, हाइट से। तो अगर मान लो ये गेट अपन ओपन कर दिया, इधर की साइड से गेट अपन ने ओपन कर दिया, जब अपन ओपन करेंगे तो पानी गिरेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं ऐसे ही दिखा रहा हूँ पानी, ठीक है। पानी जब गिरेगा तो टर्बाइन घूमेगी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर किस में कन्वर्ट हो गई? मैकेनिकल एनर्जी में। भाई टर्बाइन घूमी ना, तो टर्बाइन एक मशीन है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। और ये जो मैकेनिकल एनर्जी है, ये मैकेनिकल एनर्जी विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर, ये किस में कन्वर्ट हो गई बेटा? ये कन्वर्ट हो गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पैदा नहीं किया, हमने पानी की जो स्टोरेज एनर्जी थी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी थी, हमने उसको कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब आपकी बात आती है कि सर पोटेंशियल एनर्जी भी तो हमने पैदा करी। बेटा पैदा थोड़ी होती है एनर्जी, ठीक है। बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आई होगी? वोटर के अंदर पानी को कहीं ना कहीं से लेके आना पड़ा होगा। जब पानी बह के आया होगा तो पानी के अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर होगी? काइनेटिक एनर्जी। जब वो किसी तालाब के अंदर या किसी डैम के अंदर स्टोर हो गया होगा तो उसकी हाइट हो गई होगी, तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर हो गई होगी? पोटेंशियल एनर्जी। तो इसी तरीके से इट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ये चलता रहता है, साइक्लिक प्रोसेस होता है, एनर्जी का कंजर्वेशन होता रहता है, मतलब कि कन्वर्ट होता रहता है एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरी चौथी, चौथी से पांचवी, हो सकता है घूम फिर के वापस वहीं पे आ जाए। तो एनर्जी कभी भी खत्म नहीं होती, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की जो डेफिनेशन है, ये हमें यही बताती है कि एनर्जी को हम ना कभी खत्म कर सकते ना हम बना सकते, लेकिन हम चेंज जरूर कर सकते हैं एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब इसका डेरिवेशन आता है, तो बेटा जो डेरिवेशन है ना वो आप नोट कर लेना अच्छे तरीके से और इसको ना अपने टिप्स के ऊपर कर लेना। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अब हम देखेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी। कोई बॉडी को हम गिरा रहे हैं किसी एच हाइट से, उसके ऊपर हम देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई होता है नहीं होता।
तो बेटा मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, क्योंकि देखो एनर्जी को हमने कन्वर्ट कर दिया ना, एनर्जी को हमने बनाया नहीं और ना हमने उसको डिस्ट्रॉय किया। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारे पास क्या आती है, टोटल इनिशियल एनर्जी, टोटल इनिशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू टोटल फाइनल एनर्जी। ठीक है, जितनी इनिशियल एनर्जी थी, जितनी शुरुआत में एनर्जी थी, उतनी ही बाद में एनर्जी होगी। देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, नो लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है, एनर्जी का लॉस नहीं होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब इसके अंदर देखो, अब अपने इसमें स्टार्ट करते हैं हमारा आज का डेरिवेशन, जो डेरिवेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इधर लिख ले, इधर मैं स्टार मार्क कर देता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो भी एग्जाम आप करते हो, चाहे क्लास टेस्ट हो गया, S1 S2 जो भी मतलब एग्जाम है, ठीक है, उसके लिए। और ये 11th के अंदर भी है कहीं ना कहीं। देखो बेटा, ये हमने ग्राउंड लेवल मान लिया है, और मैं तीन कंडीशन लेके चल रहा हूँ। ये फर्स्ट कंडीशन है, ये h हाइट के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है m, ठीक है, जिसका मास कितना बेटा m है, और ये h हाइट के ऊपर है। अब जब ये h हाइट के ऊपर है, तो इसको फ्री फॉल किया गया, फ्री फॉल किया गया यानी कि इसकी स्पीड शुरू में बेटा कितनी होगी, जीरो होगी। बॉडी किस में थी शुरू में, रेस्ट में थी, ठीक है, यानी कि a पॉइंट के ऊपर बॉडी किस में थी, रेस्ट में थी। आफ्टर सम टाइम चलते 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 ये कहां पे आ गई होगी बेटा, ये जो m बॉडी है ये b पॉइंट के ऊपर आ गई होगी, इस पॉइंट के ऊपर आ गई होगी, B पॉइंट के ऊपर। जब ये A से B चली, तो बेटा इसने कितना चला होगा, इसने X डिस्टेंस चल लिया होगा। और जब ये A से B आई, तो B पॉइंट के ऊपर इसकी स्पीड क्या जीरो होगी, बताओ, नहीं, जीरो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी जीरो बेटा, B एक ऐसा टाइम है जिस टाइम मैंने मान लिया कि इंटरमीडिएट पॉइंट है, यानी कि बॉडी को ऊपर से नीचे छोड़ दिया, तो B वाला जो पॉइंट है ना, ये उस टाइम पे है जिस टाइम बॉडी किसी ना किसी H माइनस एक्स लेवल के ऊपर थी। भाई देखो, H X तो ये चल चुकी, तो ग्राउंड से कितना बचा इसका डिस्टेंस, B पॉइंट का डिस्टेंस कितना बचा ग्राउंड से बचा H माइनस X। तो जो B पॉइंट है ना, ये B पॉइंट का ये बीच में है, जिस टाइम बॉडी मोशन में थी, लेकिन हमने उस टाइम पे उसको मान लिया कि ये B पॉइंट के ऊपर है, रुकी हुई नहीं है, कंटिन्यू मोशन में, ऊपर से लेकर नीचे तक बॉडी मोशन में, लेकिन B पॉइंट के ऊपर हमने मान लिया कि B पॉइंट के ऊपर हम जानना चाहते हैं उसकी एनर्जी, क्योंकि B पॉइंट के ऊपर बॉडी रेस्ट में नहीं है, और बॉडी जब रेस्ट में नहीं है, तो हम नहीं बोल सकते कि बॉडी की यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो है, क्योंकि बॉडी कंटिन्यू मोशन में, ऊपर से लेकर नीचे तक बॉडी मोशन में, ठीक है, केवल ऊपर रेस्ट में थी, छोड़ते ही बॉडी मोशन में। अब एट द लास्ट बॉडी कहाँ पे आ गई होगी, एट द लास्ट बॉडी आ गई होगी सी पॉइंट के ऊपर, किस पॉइंट के ऊपर, सी पॉइंट के ऊपर। क्लियर जी बात, ठीक है, वेरी गुड। अब वन बाय वन अपन स्टार्ट करते हैं। देखो, अब मैं अगर बात करता हूं पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट, बेटा ए पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, हाइट की वजह से mg और h, बाय ग्राउंड से हाइट कितनी है h हाइट, तो ग्राउंड से लेके चल रहे हैं mgh, और बेटा काइनेटिक एनर्जी एट ए पॉइंट कितनी है, जीरो। बेटा जीरो क्यों है, देखो मैं थोड़ा सा डेरिवेशन ही कर देता हूं, हाफ एम यू स्क्वायर, क्योंकि अपने को पता है यू की वैल्यू जीरो है, तो काइनेटिक एनर्जी एट ए पॉइंट बेटा कितनी आ गई, जीरो आ गई। क्लियर, तो टोटल एनर्जी एट ए पॉइंट बेटा कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए पॉइंट। तो बेटा टोटल एनर्जी एट ए पॉइंट कितनी आई, पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट की वैल्यू कितनी है, एम जी एच है, काइनेटिक एनर्जी एट ए पॉइंट की वैल्यू कितनी है, जीरो है। तो बेटा ए पॉइंट के बॉडी के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, ए पॉइंट के ऊपर बॉडी के अंदर एम जी एच एनर्जी स्टोर्ड है, इस पॉइंट के ऊपर, ए पॉइंट के ऊपर। क्लियर बात, वेरी गुड। तो यहां पे आप हेडिंग डाल लेना एट पॉइंट ए, ए पॉइंट के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब अपन डिस्कस करेंगे एट पॉइंट बी, बी पॉइंट के ऊपर कौन कौन से एनर्जी स्टोर है, क्योंकि बेटा देखो बी पॉइंट हमारा एक इंटरमीडिएट पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर बॉडी मोशन में भी है, और बॉडी किसी ना किसी लेवल के ऊपर भी है, ग्राउंड से इसकी कुछ ना कुछ हाइट भी है। तो बेटा बी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, एम जी, और ग्राउंड से कितनी हाइट है, ग्राउंड से बी पॉइंट की हाइट है देखो कितनी है, एच माइनस एक्स है, कितनी है बेटा, एच माइनस एक्स। आप आई होप आपको दिख गया होगा एच माइनस एक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, ग्राउंड से बी पॉइंट की जो हाइट कितनी दिखाई दे रही है बेटा, एच माइनस एक्स। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एच माइनस एक्स, तो ये पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है बॉडी के अंदर बी पॉइंट के ऊपर। अब बेटा काइनेटिक एनर्जी कितनी स्टोर है बी पॉइंट के ऊपर, हाफ एम
वी स्क्वायर भाई बॉडी को छोटा होगा इनिशियल रेस्ट से, तो बी पॉइंट के ऊपर आते आते कुछ ना कुछ तो उसके अंदर वेलोसिटी होगी, कितनी है वी है, तो वी स्क्वायर। अब वी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो अपने को पता है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ मोशन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू एस, क्लियर। अब बेटा वी स्क्वायर निकाल रहे हैं बी पॉइंट के ऊपर, इनिशियल स्पीड बॉडी की जीरो है और टू जी, और बॉडी ए से बी तक की बात हो रही है, ये ए टू बी तक की बात हो रही है, तो ए से लेके बी तक बॉडी कितना चली है, ए से लेके बी तक चली है बॉडी एक्स, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा एक्स। तो बेटा वी बी स्क्वायर कितना आ गया, टू जी एक्स आ गया, कितना आ गया बेटा टू जी एक्स, ठीक है। आई होप अपने लोगों ने नोट कर लिया होगा, नोट नहीं किया तो जल्दी से आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो, मैं अगली स्लाइड के ऊपर स्विच करता हूँ। तो बेटा वी बी स्क्वायर कितना आ गया, टू जी एक्स आ गया। अब वी बी स्क्वायर जब इसमें पुट करोगे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बी पॉइंट के ऊपर है, तो हाफ एम वी बी स्क्वायर, बी पॉइंट की वेलोसिटी, तो वी बी स्क्वायर वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो अगली स्लाइड के अंदर बेटा मैं इसको कर रहा हूँ, क्या आएगा देखो, बी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी हमारी कितनी आ गई थी, मैं दोबारा लिख देता हूँ, एम जी एच माइनस एक्स, और काइनेटिक एनर्जी हमारी आ गई थी हाफ एम वी बी स्क्वायर, और बेटा वी बी स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास आ गई थी टू जी एक्स, तो ये जो वी बी स्क्वायर है ना ये इसमें पुट कर दो, तो काइनेटिक एनर्जी बी पॉइंट के ऊपर कितनी आ गई, हाफ एम बी स्क्वायर, वी बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है टू जी एक्स, तो बेटा टू से टू कैंसिल हो गया, काइनेटिक एनर्जी बी पॉइंट के ऊपर कितना आ गया एम जी एक्स आ गया। तो बेटा टोटल एनर्जी बी पॉइंट के ऊपर कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी बी पॉइंट के ऊपर और काइनेटिक एनर्जी बी पॉइंट के ऊपर, पोटेंशियल एनर्जी कितनी एम जी एच माइनस एक्स, और काइनेटिक एनर्जी कितनी है एम जी एक्स। जब इसको आप सोल्व करोगे तो सोल्व करते वक्त आप देखोगे कि टोटल एनर्जी आपकी कितनी आ गई, एम जी एच माइनस एम जी एक्स प्लस एम जी एक्स, तो एम जी एक्स ने एम जी एक्स को मार दिया, टोटल एनर्जी बी पॉइंट के ऊपर भी कितनी आ गई एम जी एच आ गई, कितनी आ गई बेटा एम जी एच आ गई, हो रहा है ना देखो चमत्कार हो रहा है। ए पॉइंट के ऊपर बॉडी कितनी थी टोटल एनर्जी एम जी एच, बी पॉइंट के ऊपर भी कितनी आ गई है एम जी एच, अब अपन देखते हैं सी पॉइंट के ऊपर, ठीक है। डायग्राम आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने आई होप ड्रॉ कर लिया होगा, तो मेरे को डायग्राम याद है, तो मैं डायरेक्टली इसी पेज के ऊपर कर रहा हूँ, अपन स्लाइड ऊपर नीचे नहीं करेंगे, ठीक है, जिससे कि आपका टाइम वेस्ट भी ना हो, ठीक है। तो बेटा सी पॉइंट हमारा कौन सा है, ग्राउंड वाला पॉइंट है। अब फाइनली बॉडी हमारी कहाँ पे आ गई है, ग्राउंड के ऊपर आ गई, बिकॉज बॉडी ग्राउंड के ऊपर आ चुकी है, तो बॉडी की जो हाइट है ग्राउंड से कितनी हो जाएगी जीरो, तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी सी पॉइंट के ऊपर कितनी है जीरो। काइनेटिक एनर्जी कितनी है हाफ एम वी सी स्क्वायर, भाई बॉडी को जब अपन ऊपर से ड्रॉप करेंगे तो नीचे आते वक्त जब वो टकराएगी ग्राउंड से तो उस टाइम उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, तो ग्राउंड से टकराते वक्त जो उसकी स्पीड है हमने उसको क्या बोला वीसी बोला यहाँ पे, यानी कि वेलोसिटी एट सी पॉइंट। तो वेलोसिटी एट सी पॉइंट कैसे निकालेंगे, सेम इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस, तो यहाँ पे वी सी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि बॉडी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कहाँ से लेके कहाँ तक की, ए से लेके सी तक की जब भी बात करें कि टॉप से लेके बॉटम मोस्ट पॉइंट तक, तो बॉडी की इनिशियल स्पीड कितनी थी, इनिशियल स्पीड थी जीरो, तो टू जी, हालांकि ये माइनस जी है, अगर कोई बच्चा ध्यान दे रहा होगा ना तो उसको पता होगा कि मैं यहाँ पे केवल और केवल बात कर रहा हूँ वैल्यू की, मैं डायरेक्शन की यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ, ये जी की जगह पे क्या आएगा माइनस जी, क्योंकि एक्सेलरेशन हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा किधर लगती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगती है, नीचे की साइड लगती है, तो यहाँ पे मेरे को क्या करना चाहिए माइनस जी करना चाहिए, लेकिन सिंपलिसिटी को कैरी ऑन करते हुए, ठीक है, मैं केवल और केवल डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा, मैं केवल और केवल बात कर रहा हूँ मैग्नीट्यूड की, वैल्यू की बात कर रहा हूँ, तो ए की वैल्यू किसमें कन्वर्ट हो गई, फ्री फॉल करते टाइम जी के अंदर कन्वर्ट हो गया, क्योंकि बॉडी तो अपने आप ही आ रही है ग्रेविटी की वजह से आ रही है, तो ए किसके अंदर कन्वर्ट हो गया जी के अंदर, और यहाँ पे जो एस है यानी कि ये कहां से लेके कहां तक है, ए से लेके सी तक। अब बेटा टॉप मोस्ट पॉइंट के ऊपर थी, ग्राउंड से कितनी हाइट थी एच हाइट थी, जब वो ऊपर से लेके नीचे तक आ गई तो बॉडी ए से लेके सी तक कितना चली, उतना ही तो चली जितनी बॉडी की हाइट थी, तो यहाँ पे कितना जाएगा एच जाएगा, ठीक है। तो बेटा वी सी स्क्वायर किसके बराबर आ गया टू जी एच के बराबर आ गया, अब इसके अंदर पुट कर दो ये वैल्यू, ठीक है। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी सी पॉइंट के ऊपर कितनी आ गई हाफ एम वी सी स्क्वायर की जगह पे पुट कर दो टू जी एच, टू जी एच, टू ने टू को मार दिया, काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई बेटा सी पॉइंट के ऊपर एम जी एच आ गई, ठीक है। तो अपन देख रहे हैं यहाँ पे टोटल एनर्जी एट सी पॉइंट कितनी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी एट सी पॉइंट प्लस काइनेटिक एनर्जी एट सी पॉइंट, तो बेटा टोटल एनर्जी सी पॉइंट के ऊपर कितनी आ गई जीरो,
प्लस एम जी एच, तो टोटल एनर्जी एट सी पॉइंट विल बी इक्वल टू एम जी एच। ध्यान से देखने पे आपको ये पता लग रहा होगा कि हमने तीन अलग अलग पॉइंट माने, उन तीनों पॉइंट के ऊपर हमारी टोटल एनर्जी कितनी आई, एम जी एच आई। इसका मतलब बॉडी ऊपर से लेके नीचे भी आ चुकी है लेकिन एनर्जी का बिल्कुल भी लॉस नहीं हुआ है, यानी कि जितना शुरू में एनर्जी थी टॉप मोस्ट पॉइंट ए पॉइंट के ऊपर एनर्जी थी एम जी एच, उतना ही फाइनल पॉइंट सी पॉइंट के ऊपर भी एनर्जी कितनी आई हमारी एम जी एच आई। इसका मतलब ये प्रूव हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे फॉलो हो रही है। एज वी कैन सी दैट टोटल एनर्जी एट ए पॉइंट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी पॉइंट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट सी पॉइंट इज इक्वल टू एम जी एच। दिस प्रूव्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को प्रूव करता है, क्योंकि ये हमारा कौन सा पॉइंट था, इनिशियल पॉइंट था, और ये हमारा कौन सा पॉइंट था, फाइनल पॉइंट था। तो कैसे प्रूव करता है, टोटल एनर्जी एट इनिशियल पॉइंट यानी कि टोटल इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल फाइनल एनर्जी, ठीक है, जो कि हर बार कितनी आई है, ए पॉइंट इज इक्वल टू सी पॉइंट के, यानी कि एम जी एच इज इक्वल टू एम जी एच, ठीक है। यानी कि यहां से हमें पता लग गया, अगर किसी भी बॉडी को, ये वाला केस तो बेटा मैंने ऊपर से लेके नीचे तक का छोड़ा है, अगले आप ये भी कर सकते हो, जब बॉडी को नीचे से लेके ऊपर तक छोड़ोगे ना तो भी हमारी यही प्रूव होगा, यानी कि टोटल एनर्जी हमारी कितनी आएगी, एम जी एच ही आने वाली है, ठीक है। यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये प्रूव कर देती है कि हम चाहे किसी भी बॉडी को ऊपर से नीचे ले जाएं या नीचे से ऊपर ले जाएं, एनर्जी हमेशा क्या रहेगी, बराबर रहेगी, केवल और केवल कन्वर्जन ऑफ एनर्जी हो रहा है। कन्वर्जन ऑफ एनर्जी कैसे हो रहा है, देखो अगली स्लाइड के ऊपर मैं आपको बताता हूँ। कन्वर्जन ऑफ एनर्जी बेटा कुछ इस तरीके से हो रहा है कि जैसे कि अपन ने अलग अलग पॉइंट माने थे, ठीक है, ये हमारा ए पॉइंट, ये हमारा बी पॉइंट, ये हमारा सी पॉइंट। तो बेटा अब ए पॉइंट के ऊपर केवल और केवल पोटेंशियल एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, जीरो थी। बी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी भी थी, काइनेटिक एनर्जी भी थी, और सी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी तो बॉडी की जीरो और काइनेटिक एनर्जी हमारी कुछ ना कुछ बॉडी की थी। यानी कि ऊपर से जब नीचे आए हम, ऊपर से जब नीचे की साइड आए, ठीक है, यानी कि टॉप से लेके जब हम बॉटम की तरफ आए तो केवल और केवल क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई है, काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट बॉडी हो गई है, ठीक है, यानी कि कन्वर्जन ऑफ एनर्जी हो गया, ठीक है। टॉप के ऊपर थी तो पोटेंशियल एनर्जी थी, और लोअर के ऊपर आ गई, बॉटम मोस्ट पॉइंट के ऊपर आ गई तो काइनेटिक एनर्जी, यानी कि एनर्जी केवल और केवल कन्वर्ट हो गई, लॉस ऑफ एनर्जी नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि हर एक पॉइंट के ऊपर कितनी वैल्यू आ रही थी, हर एक पॉइंट के ऊपर एम जी एच वैल्यू आ रही थी, यानी कि अगर लॉस हो रहा होता तो हमें यहाँ पे दिख ही जाता कि एम जी एच के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू कम आ गई, यानी कि लॉस ऑफ एनर्जी हो गया, लेकिन लॉस ऑफ एनर्जी नहीं हुआ। ए पॉइंट से लेके सी पॉइंट तक, टॉप मोस्ट पॉइंट से बॉटम मोस्ट पॉइंट तक केवल और केवल एनर्जी का कन्वर्जन हुआ है, यानी कि एक फॉर्म की एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, लेकिन टोटल एनर्जी रिमेन्स सेम, एम जी एच मतलब एम जी एच। तो बेटा इसका ग्राफ आता है, ग्राफ किस टाइप से आता है, ग्राफ वेरी इंपॉर्टेंट। ये एनर्जी है, इधर की साइड हम एनर्जी दे रहे हैं और इधर की साइड हम हाइट दे रहे हैं, ठीक है, h हाइट। तो बेटा एक बात बताओ, जब जीरो हाइट थी, ये जीरो हाइट और ये h हाइट, ठीक है, जीरो हाइट और h हाइट, तो मेरे को एक बात बताओ, जब हाइट जीरो थी तो बॉडी के अंदर कौन सी एनर्जी मैक्सिमम थी। देखो जीरो हाइट के ऊपर, ये जीरो हाइट है ना, h इज इक्वल टू जीरो और यहाँ पे पहुंचते पहुंचते h इज इक्वल टू एच। जब बॉडी की हाइट जीरो थी तो बॉडी के अंदर केवल कौन सी एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी थी। कौन सी एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी बॉडी की कितनी थी, जीरो। यानी कि अगर अपन ये मान लेते हैं दिस इज द मैक्सिमम एनर्जी दैट ए बॉडी कैन बी स्टोर्ड, तो इस हाइट, जब जीरो हाइट थी तो बॉडी के अंदर केवल और केवल कौन सी एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी थी। कौन सी एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी। और एच पॉइंट तक जाते 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 कौन सी एनर्जी स्टोर हो गई, काइनेटिक एनर्जी, तो जीरो हो गई। यानी कि जब मैं इस पॉइंट को और इस पॉइंट को जब मैं जोड़ूंगा, ठीक है, एक मैं काम करता हूँ स्ट्रेट लाइन में, इधर देख लेता हूँ अगर मिल जाती है तो, ठीक है, ये रही, मिल गई ये, ठीक है। जब हम इस पॉइंट को जब हम जोड़ देते हैं यहाँ तक, तो ये हमारा जो ग्राफ बनेगा, कैसा ग्राफ बनेगा बेटा, ये हमारा काइनेटिक एनर्जी का रिप्रेजेंटेशन करेगा
किसके अंदर रिप्रेजेंट करेगा कि हमारी जो एनर्जी है ये क्या हो गई है, बेसिकली काइनेटिक एनर्जी के अगर बारे में अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी का जो ग्राफ मैंने रिप्रेजेंट किया है, थोड़ा सा एक मिनट के लिए आप वेट कीजिए, मैं थोड़ा सा इसको शो कर देता हूँ ठीक तरीके से, वेट ए सेकंड प्लीज। ठीक है, ये ग्रीन लाइन आपको दिख रही होगी। तो बेटा ये जो ग्रीन लाइन है क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ग्रीन लाइन ये रिप्रेजेंट कर रही है कि जब जीरो हाइट थी, यानी कि जब बॉडी ग्राउंड के ऊपर थी, ठीक है, तो बॉडी के अंदर केवल और केवल काइनेटिक एनर्जी स्टोर थी, लेकिन जब बॉडी एच हाइट के ऊपर थी तो बॉडी के अंदर काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, जीरो थी, जैसा कि आप देख भी सकते हो ए पॉइंट के ऊपर। ठीक है, ये जो ए पॉइंट हमें शो कर रहा है, ये ए पॉइंट हमें इसी बारे में शो कर रहा है, ठीक है, कि ए पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी जीरो, यानी कि ये हाइट एच हाइट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी कितनी है, जीरो, यानी कि यहाँ पे अपन बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट के ऊपर जीरो, लेकिन जब जीरो हाइट थी तो काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या थी, मैक्सिमम, यानी कि बॉडी के अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर थी, केवल और केवल काइनेटिक एनर्जी स्टोर थी। ठीक है बेटा, इसी तरीके से जब, अब देखो इसी तरीके से जब बॉडी के अंदर, भाई कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं ना कि एच हाइट और जीरो हाइट, ठीक है, जब ऐसे समझो एच हाइट से जीरो हाइट हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी तो इंक्रीज हो रही है और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है ना भाई, काइनेटिक एनर्जी तो इंक्रीज हो रही है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है किस पे, जीरो हाइट के ऊपर, और काइनेटिक एनर्जी जीरो है किस पे, एच हाइट के ऊपर। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है किस हाइट के ऊपर, मैक्सिमम है एच हाइट के ऊपर, और जीरो है किस हाइट के ऊपर, जीरो हाइट के ऊपर। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस टाइप से ग्राफ बनेगा, मैं ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा हूं बेटा, यहां से लेके ऐसे, ठीक है। तो बेसिकली देखो मैं एक अलग कलर से शो कर देता हूं, व्हाइट कलर से शो कर देता हूं, चलो मैं व्हाइट में ये काम करते हैं, स्काई ब्लू कलर मैंने लिया है, आपको दिखाई दे रहा होगा जो स्काई ब्लू वाले कलर की लाइन है बेटा, ठीक है, ये हमारी शो कर रही है पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है किस पॉइंट के ऊपर, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है जब हाइट कितनी है h, और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम यानी कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो है जब, कब, जब हाइट जीरो है। तो बेटा इस टाइप का ग्राफ बनता है एनर्जी का और हाइट का, कौन सी एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का, जब किसी बॉडी को h हाइट से ड्रॉप किया जाता है। तो एक एनर्जी तो कम हो रही है और एक एनर्जी बढ़ रही है, एनर्जी एच हाइट से जब हम छोड़ रहे हैं तो कौन सी एनर्जी कम हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है और काइनेटिक एनर्जी हमारी इंक्रीज हो रही है। क्लियर बात? तो इस टाइप से हमारा ग्राफ बनेगा, वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ है, आप इसको चाहे नोट करना चाहो तो नोट भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहां तक था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, यहां तक हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कंप्लीट हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी भी कंप्लीट हो गया। अब हमारा एक छुटका सा टॉपिक बचा है, वो टॉपिक क्या है, छोटू सा, वो टॉपिक है हमारा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली किसके अंदर होती है, नाम से पता लग रहा है, इलास्टिक, इलास्टिक यानी कि एक ऐसा मटेरियल जो कैसा हो, इलास्टिक नेचर के अंदर हो, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जिसको अपन EPE से भी दिख सकते हैं। ठीक है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को बेसिकली ऐसे भी शो करते हैं, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, किसी किसी बुक में स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भी शो करते हैं, किसी बुक में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो बेटा जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है ये किसमें होती है, स्टोर्ड इन स्प्रिंग। जब स्प्रिंग की बात होगी ना तो हम क्या यूज करेंगे, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। बेटा क्यों यूज करेंगे, देखो मैं अगर आपके सामने तीन डायग्राम शो करता हूँ, तीन सिचुएशन क्रिएट करता हूँ, सिचुएशन फर्स्ट, सिचुएशन सेकंड, सिचुएशन थर्ड। सिचुएशन फर्स्ट के अंदर मान लो मेरे पास कोई भी एक स्प्रिंग थी, अभी ये नॉर्मल है, ठीक है, नेचुरल लेंथ पे है इसकी, जितनी भी स्प्रिंग की लेंथ है नेचुरल लेंथ के ऊपर है, यहाँ तक मैंने इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगाया। जब मैंने इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगाया तो क्या मैंने वर्क किया, नहीं किया, जीरो। तो क्या इस बॉडी के अंदर कोई एनर्जी स्टोर हुई मेरे वर्क की वजह से, नहीं, यानी कि जीरो एनर्जी। लेकिन सेकंड सिचुएशन मैंने क्या काम कर दिया, मैंने इसको खींच दिया, ठीक है, यहां तक थी इसकी नेचुरल लेंथ और मैंने इसको कितना खींचा, एग्जांपल के लिए मान लेते हैं एक्स अमाउंट से मैंने इसको खींच दिया। क्योंकि मैंने इसको एक्स अमाउंट से खींचा है तो ये क्या हो गई, ये एक्सपेंड हो गई, स्प्रिंग को मैंने क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया।
तो बिकॉज एक्सपेंशन की वजह से इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो गई, क्योंकि इसकी पोजीशन चेंज हुई है ना। जैसे कि अगर मैं इसको नाम दे देता हूँ ए पॉइंट, तो इस ए पॉइंट की लोकेशन चेंज हो गई। पहले ए पॉइंट यहाँ पे था, अब ये जो ए पॉइंट है ये कहाँ पे आ गया, इस ए डैश वाली जगह पे आ गया, यानी कि पोजीशन चेंज हो गई। अब जो स्प्रिंग की पोजीशन है जहाँ पे मैंने फोर्स लगाया था, उस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की पोजीशन चेंज हो गई। अब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की जब पोजीशन चेंज हो गई, यानी कि बॉडी के अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर हो गई, पोटेंशियल एनर्जी वो स्टोर हो गई। यानी कि जब मैंने बॉडी को एक्सपेंड किया तो बेटा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग के केस के अंदर कितनी होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। ये डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, और अगर मैं करवा भी दूंगा तो उससे कुछ ज़्यादा फायदा होगा नहीं, क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है। जब एक्स्ट्रा की बैच स्टार्ट करेंगे, जब नाइन्थ क्लास के अंदर मैं एक्स्ट्रा टॉपिक्स की बात करूंगा, उसके अंदर मैं आपको डेरिवेशन करवाऊंगा कि ये हाफ के एक्स स्क्वायर कैसे आता है। अभी के लिए केवल आपको याद रख लेना है स्प्रिंग एनर्जी कितनी होती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, बेटा हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। यहाँ पे के क्या होता है, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, यानी कि जिस मटेरियल से हमारा स्प्रिंग बनता है उसको स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, इसकी यूनिट होती है न्यूटन अपॉन मीटर, और एक्स हमारा क्या होता है, एक्सपेंशन इन द स्ट्रिंग। एक्सपेंशन समझ लो या फिर कंप्रेशन, यानी कि जितना भी हम उसको चेंज करेंगे, एक्सपेंशन और कंप्रेशन इन स्प्रिंग, स्प्रिंग के अंदर हमने कितना उसको खींचा है, कितने अमाउंट से उसको दबाया। तो दोनों ही केस के अंदर ये हो गया सेकंड केस। थर्ड केस के अंदर मैंने इसको बेटा कंप्रेस कर दिया, ठीक है, इधर की साइड मैंने फोर्स लगा के इसको कंप्रेस कर दिया। तो इसके अंदर भी बेटा बॉडी, एग्जांपल के लिए मान लेते हैं सेम अमाउंट से मैंने इसको कंप्रेस कर दिया, तो पहले तो ए पॉइंट यहाँ पे था, अब ए पॉइंट यहाँ पे हो गया, क्योंकि ए पॉइंट की लोकेशन चेंज हो गई, क्योंकि पोजीशन चेंज हो गई है। तो इस वाले केस के अंदर भी बॉडी के अंदर क्या स्टोर हो गई होगी, एक एनर्जी स्टोर हो गई होगी, और वो एनर्जी कितनी हो गई होगी, हाफ के एक्स स्क्वायर। यानी कि चाहे मैं बॉडी को कंप्रेस करूं, चाहे मैं स्प्रिंग को दबाऊं, चाहे मैं स्प्रिंग को खींचूं, दोनों ही केस के अंदर स्प्रिंग के अंदर एक एनर्जी स्टोर हो गई होगी, और वो एनर्जी बेटा कितनी होगी बॉडी के अंदर, स्प्रिंग के अंदर, सॉरी, उस स्प्रिंग के अंदर ये जो एनर्जी स्टोर हो गई होगी वो कितनी हो गई होगी, हाफ के एक्स स्क्वायर। यहाँ पे के मतलब क्या है, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, ठीक है। अगर आप न्यूमेरिकल करते हो तो उस न्यूमेरिकल के अंदर ये वैल्यू गिवन होगी, ठीक है, ए स्प्रिंग हैविंग स्प्रिंग कांस्टेंट एक्स वाई जेड, ठीक है। तो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है हमारा के, और जितने अमाउंट से हम उसको खींच देंगे स्प्रिंग को, चाहे 1 सेंटीमीटर, चाहे 1 मीटर, चाहे 1 mm, जितने भी अमाउंट से हम उस स्प्रिंग को खींचेंगे, वो खींचने वाला जो डिस्टेंस होगा स्प्रिंग का, वो हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्प्रिंग के अंदर बिकॉज हम स्प्रिंग की पोजिशन चेंज करते हैं, बिकॉज हम स्प्रिंग का शेप एंड साइज चेंज करते हैं, तो क्योंकि हमने वर्क किया है उस स्प्रिंग के शेप एंड साइज को चेंज करने के लिए, तो हमारा जो वर्क है वो स्प्रिंग के अंदर स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी तो पोजीशन के चेंज की वजह से, इलास्टिक क्यों बोला, क्योंकि इलास्टिकसिटी बिहेवियर है इसका, जो हमारी स्प्रिंग होती है वो इलास्टिक नेचर के अंदर होती है, इलास्टिसिटी होती है, इस वजह से हमने ये बोला कि स्प्रिंग के अंदर जो एनर्जी स्टोर हुई है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है बेटा। तो आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे तीनों के तीनों टॉपिक जो भी आज हमने पढ़े हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो बेटा बस मैं आपको यही बोलूंगा कि वीडियो को आप लगातार देखिए, अगर आपका कोई टॉपिक मिस हो गया हो या कोई आपका पॉइंट मिस हो गया होगा तो प्लेलिस्ट के अंदर सारी की सारी वीडियोज स्टोर्ड है, आप उस प्लेलिस्ट के अंदर जाके जो भी लेक्चर आपका मिस हुआ है तो उस लेक्चर को आप प्रॉपरली देखिए, नोट्स बनाइए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। साथ साथ में एक जरूरी काम जो आपको करना है बेटा, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, मेरे को आप लोगों की तरफ से ज़्यादा सपोर्ट चाहिए। मेरे को आपकी तरफ से सपोर्ट उतना नहीं मिल पा रहा जितना मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा बिजीनेस हो जाती है, रेगुलर वीडियो अपलोड कई बार हो जाती है, नहीं हो पाती, ठीक है, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा वर्किंग के अंदर हूँ, थोड़ा सा नहीं मिल पाता टाइम। तो बेटा आपसे बस थोड़ा सा ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, सो दैट कि मेरे को थोड़ा सा आप लोगों की तरफ से एक मोटिवेशन मिले कि सर वी आर विद यू, आप कीजिए मेहनत, हम आपके साथ में, ठीक है बेटा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाइए अपना, ठीक है। तो अगली वीडियो हम कंटिन्यू करेंगे पावर के ऊपर, लेक्चर नंबर 9 जो हमारा आएगा वो पावर के ऊपर आएगा। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।